आप जहां भी देखोगे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे माताएं भी, अब माताएं तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन किट्टी पार्टी में जाती हैं और किट्टी पार्टी में भी ड्रिंक्स होते हैं, फिर कुछ स्नैक्स होते हैं, फिर डिनर होता है, फिर नाच गाना होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक है किट्टी पार्टी और एक है कीर्तन पार्टी, ठीक है जी। हम करेंगे कीर्तन पार्टी, आपकी किट्टी पार्टी है कैसे और हमारी कीर्तन पार्टी है कैसे, लेकिन हमारी कीर्तन पार्टी जो के से शुरू होती है वो हमारे के जो कृष्ण है जिनका नाम भी के से शुरू होता है, वो पार्टी कीर्तन पार्टी किससे मिलाती है, कृष्ण से मिलाती है। और याद रखिएगा एक बात मैं बोलना चाहूंगा इससे पहले कि हम ये कीर्तन पार्टी में प्रवेश करें, जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, रहो हमेशा कृष्ण की मस्ती में। अभी आगे है, आगे चल रहा है। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, रहो हमेशा कृष्ण की मस्ती में, क्योंकि जो रहते हैं कृष्ण की मस्ती में चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में, ठीक है जी। तो यदि आप अपनी हस्ती में चार चांद लगाना चाहते हो, थोड़ी देर बाद सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, सो मेनी प्लेसेस यू विल बी गेटिंग विशेस। लेकिन क्या बस हैप्पी न्यू ईयर कहने से हमारा साल हैप्पी हो जाएगा? 2015 में भी हमें कई लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें क्या आपका ये ईयर हैप्पी था? नौकरी चाहिए किसी को, बिजनेस वालों को फैक्ट्री एक और लगानी है, ऑर्डर चाहिए हैं जी, स्टूडेंट को मार्क्स चाहिए, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कष्ट प्रकृति के द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, और तीसरा कौन सा है, मन के द्वारा। मन के द्वारा मतलब मेरे पड़ोस, मेरे पास है स्कूटर या बाइक और पड़ोसी के पास आ गई एक गाड़ी, हो गया मेरा मन चंचल, हो गया ना दिमाग खराब, हो गई टेंशन। तो ये आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये कष्ट सात प्रकार के कष्ट, किसी भी प्रकार से हम उनका छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम श्री कृष्ण के या हम जगन्नाथ जी के शरण में नहीं आते। तो अगर वास्तव में आपको अपना साल ये न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बनाना है, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कहते थे, अक्सर लोग नए साल को कैसे स्वागत करते हैं, शराब पीकर, फिर उसके बाद कोई उल्टी करेगा, फिर कोई वहां गिर रहा है, और जो नया साल उसका स्वागत करेंगे हैंगओवर में। लेकिन हम अपना नया साल हैंगओवर में स्वागत नहीं करते हैं, हम करते हैं लेकिन हम श्री कृष्ण के नामों में उस हैंगओवर में हम नया साल को क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। सो दिस इज अ कीर्तन पार्टी। पार्टी में हाथ कभी भी आप ऐसे तो आप रखते नहीं हो, सही बात है, पॉकेट में भी आप हाथ रखते नहीं हो। डांस करने के लिए तो मेरे क्लासेस देने की जरूरत नहीं है, आप सभी भी डांस करना चाहते हो, यू आर वेटिंग व्हेन आई विल स्टार्ट, तो मेरे को बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, सभी हाथ उठा लीजिए। कुछ स्टेप्स हैं जो जनरल स्टेप्स है, उठा लो, उठा लीजिए, सीधे कर लो, सीधे थोड़ा सा आ जाओ, वार्म अप सेशन है, ओके, फील फ्री, हाथ उठा के और भगवान के इस कीर्तन की पार्टी में आपने ताली बजानी है, स्टार्ट कीजिए। ये ताली निरंतर बजती रहे और यदि ठाकुर की कृपा होए तो थोड़े पैर भी हिला लेना, ये राइट पैर लेफ्ट की तरफ जाता है और लेफ्ट पैर राइट की तरफ आता है, ठीक है, हाथ सीधे रहते हैं, चलिए, ठीक है, और ताली।